जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कथा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 10th का टॉपिक नंबर 2 बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बहुपद क्या है, कैसे हैं, ये हमने सब 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th में भी अपना टॉपिक था बहुपद, जो एनसीईआरटी कोर्स में चल रहा है। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, बहुपद की परिभाषा, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये चीज पढ़ी थी हमने। एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, फिर हमने पढ़ा था एकघाती, एकघातीय, द्विघाती और पढ़ा था त्रिघाती। ये सारी चीजें हम वहां पढ़ चुके हैं। किसमें? 9th क्लास में। एकपदी कैसे हुआ, द्विपदी कैसे हुआ, त्रिपदी कैसे हुआ, एकघातीय क्या होता है, द्विघाती क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है, ये सारे अध्ययन हम किसमें कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं। लेकिन अब हमें उसी से संबंधित और उससे कुछ आगे बढ़ना है इस एक्सरसाइज में। बहुपद क्या था कि चर राशि और अचर राशि का संयोग और इस तरह से चले कि a 0, ये सब क्या है, अचर राशि। ये क्या है, अचर। ये बहुपद को लिखने का तरीका है, पॉलिनोमियल इन x, p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। बहुपद किस में है, x में। a 0 अचर संख्या, a 1x, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2x, 3x स्क्वायर, बढ़ती हुई घातों में, x की बढ़ती हुई घातों और कहाँ तक चल रहा है, n तक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो लिखा हुआ है, वो क्या कहलाता है, बहुपद। अब px, x की जगह क्या हो जाए, y, x, y, z, कुछ भी बहुपद, कौन से भी चर में हो सकता है, x में हो सकता है, y में हो सकता है, z में हो सकता है, s में हो सकता है, t में हो सकता है। जैसे लिखा मैंने p of t, यानी पॉलिनोमियल इन t, t के पदों में समीकरण आएगा, बनेगा t³ + 4। तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल इन t, t x y z किसी में भी हो सकता है। अब देखिए, कुछ रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो पहला था हमने एकपदी, क्या था, एकपदी, एकपदी में चर भी आ सकता है, यानी जिसके जोड़ बाकी में कुछ नहीं होगा, x, 2x, 4x, क्यूब, ये सभी क्या है, एक पदी। क्या है, एक पदी। द्विपदी में प्लस माइनस की संख्या है, x माइनस 2, x माइनस 2, देखो एक और दो कितने पद है, दो पद है, इसलिए क्या बना, द्विपदी। क्यूब भी हो सकता है, x क्यूब माइनस 4x, कितने पद है, दो पद है, किससे जुड़े हुए, माइनस से, इसमें प्लस भी लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, x क्यूब प्लस 4x, कितने पद, दो पद, तो कितना पदी, द्विपदी। जैसे आना तीन पद, तो x स्क्वायर माइनस या प्लस 2x प्लस 2, तो देखो एक दो तीन, तो कितने पदी हो गया, त्रिपदी हो गया, कितनी पदी, त्रिपदी। तो क्या बना, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। अब अपने पास है घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। तो क्या कहते हैं, उस पद, बहुपद में उपस्थित अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मैंने लिखा x क्यूब प्लस 4x प्लस 3, तो इसमें आपको घात देखनी है, तो पहले समीकरण को देखें। इसमें देखो x की घात है यहाँ 1, यहाँ कितनी है, 3, तो अधिकतम घात कितनी है, 3। अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। यह है आपका, अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, 3। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, टी की घात 9 + 8, टी की घात 9 + 8, कितना पदी, द्विपदी, लेकिन घाती कितनी, 9 घात, कितनी घात का ये, 9 घात का ये बहुपद उपस्थित है। ये सारा मैटर था आपका कार का, ये सारा मैटर है आपका 9th क्लास का, किसका है, 9th क्लास का, घात का, बहुपद का, एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सब आपके 9वीं क्लास से रिलेटेड है। अब और इसके बाद भी 9th का था शून्य ज्ञात करना, क्या था, शून्य,
शून्य ज्ञात करना। अब कैसे किया था हमने, x प्लस पांच का शून्य है, x प्लस पांच का शून्य है, शून्य है का मतलब क्या है, जीरो उत्तर आएगा। यहाँ x का मान क्या रख दो जिससे जीरो उत्तर आ जाए, तो ये जीरो लाना ही क्या कहलाता है, शून्य। ये जीरो प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, शून्य। तो हमने क्या किया, इस x की जगह में क्या रख दो, माइनस पांच, माइनस पांच और प्लस पांच क्या मिल गया था, जीरो। ये हमने नाइन्थ क्लास में ज्ञात किए थे शून्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात किया, शून्य ज्ञात करना। लेकिन बहुपद का शून्य ज्ञात करना कि बहुपद का शून्य, शून्यकों का ज्यामिति अर्थ टॉपिक है आपने, ये है आपके बहुपद के, ये टेंथ का टॉपिक है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति, बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति अर्थ, ज्यामिति अर्थ, ये आपका टेंथ का पहला टॉपिक है कि ज्यामिति अर्थ। आपको यहाँ ग्राफ में देखकर बताना है कि इसके कितने शून्य है, इसके कितने शून्य है। देखिए ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने शून्य है, इसके लिए देखो, अगर समीकरण आ रहा है p ऑफ x, x में आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर फंक्शन x में है तो ये कितनी बार x अक्ष को काट रहा है, देखो एक दो तीन चार, तो इससे शून्य कितने होंगे, कितने होंगे इससे शून्य, चार। अगर आपका फंक्शन y का है और तो ये y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ये ग्राफ y अक्ष को कितनी बार काट रहा है, दो बार, तो इसके शून्य कितने होंगे, दो। ये है आपका ज्यामिति निरूपण, यानी अगर फंक्शन x में दे रखा है तो x अक्ष को कितनी बार काटेगा, और अगर फलन आपका y का दे रखा है तो ये y अक्ष को कितनी बार काटेगा। ये है आपके शून्यकों का ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करना। देखिए इसके लिए उदाहरण नंबर एक दे रखा है आपका, उदाहरण नंबर एक ज्यामिति निरूपण में फंक्शन है आपका px, फंक्शन कितना है px, आपका फंक्शन दे रखा है px, यानी x में एक बहुपद दे रखा है और शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्य कैसे, x x अक्ष को कितनी बार काटेगा, x अक्ष को कितनी बार काटेगा। देखिए इसका ग्राफ इस तरह से है कुछ, पहला डायग्राम का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, px प्रत्येक के लिए, px यहाँ फंक्शन दे रखा है आपका px का, मतलब x अक्ष को कितनी बार काटा है, हमें मालूम है ये होता है x और ये होता है y। देखिए ये ग्राफ यहाँ से चल रहा है और y को काटते हुए ऊपर निकलेगा, लेकिन x को कितनी बार काटा, एक बार काटा, कितनी बार काटा, एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, एक, शून्यकों की संख्या कितनी आई, एक। इसका देखो सेकंड भाग, सेकंड भाग है आपका इस तरह से ग्राफ है यू, ये ग्राफ है वही शून्यकों की संख्या, ये आपका एक्स अक्ष है, देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार, ये तो वाई में कट चला गया, ये कौन है, दो, तो शून्यों की संख्या दो, कितनी आई, दो। इसी तरह तीसरा देखें, इसी का तीसरा इस तरह से कुछ दे रखा है आपका, ये दे रखा है शून्यों की संख्या ज्ञात किया, देखो एक्स अक्ष को एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार काटा, तीन बार, तो शून्यों की संख्या कितनी आई, तीन। इसी तरह इसका चौथा भाग देखें, ये ग्राफ है आपका और इस रेखा को ये इस तरह से काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या x अक्ष को कितनी बार काटा, एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी आई, एक। इसी तरह पांचवा देखें, कुछ डायग्राम इस तरह से बना हुआ है, शून्यकों की संख्या x अक्ष को टच कर रहा है या काट रहा है, कितनी बार, एक बार, तो शून्यकों की संख्या एक। लास्ट शून्य
शून्यकों की संख्या का डायग्राम है आपका। शून्यकों की संख्या यह हमें मालूम है x अक्ष है, ये y अक्ष है। शून्यों की संख्या 1, 2, 3, 4। शून्यों की संख्या कितनी आई? 4। इस तरह से यह है आपका पहला टॉपिक 10 का, शून्यों की संख्या का ज्यामिति निरूपण। क्या है? ज्यामिति निरूपण का उदाहरण था। और अब जो प्रश्नावली है वो इसी पर आधारित है जो आपकी 2.1 है। बहुपद का पहला ही टॉपिक था ज्यामिति निरूपण, और ज्यामिति निरूपण से संबंधित प्रश्नावली है 2.1 का पहला क्वेश्चन। 2.1 का पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यानी px, px मतलब x अक्ष। फंक्शन बहुपद किसमें है? x में, यानी x अक्ष पर। तो इसका पहला डायग्राम देखिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका x अक्ष होता है और ये y अक्ष, और यहाँ आ रहा है ये रेखा, ये आपका ग्राफ आया। x अक्ष को कितनी बार काटा? ये जो ग्राफ है x अक्ष को एक बार भी नहीं काटा, तो शून्यकों की संख्या होगी शून्य। ओके, ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। इसी का दूसरा पोर्शन देखें। दूसरे में बोला शून्यकों की संख्या, x अक्ष को कितनी बार काटा, ये आपका x अक्ष है, कितनी बार? एक बार। शून्यकों की संख्या a। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखें। शून्यकों की संख्या x अक्ष को 1, 2, 3, यानी कितनी आई? 3। देखिए चौथा डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है चौथा। x अक्ष को कितनी बार काटा? 2 बार। शून्यकों की संख्या 2। पांचवा है आपका, देखिए x अक्ष को 1, 2, 3, 4, शून्यकों की संख्या 4। लास्ट क्वेश्चन इसी का देखिए, एक्सरसाइज का। देखिए 1, 2, ये सिर्फ टच करके निकल रहा है, यहाँ वापस लूप काट नहीं रहा है। 1, 2, 3, शून्यकों की संख्या 3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। और इससे अगला अपन करेंगे शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध। तो आज के टॉपिक में हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या होता है, बहुपद के शून्य क्या होते हैं हमने ज्ञात करने 9th क्लास में सीखे थे। लेकिन इस बार NCERT कोर्स पुनः लागू होने से बहुपद टॉपिक 10th में भी जुड़ गया आपका। और 10th में जुड़ने पर हमने ज्यामिति निरूपण द्वारा बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उससे संबंधित हमने एक उदाहरण किया था, और उसी से रिलेटेड प्रश्नावली है आपकी 2.1। उसमें भी आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ देखकर चेक करना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।